खूब रोज रोज उनको मंदिर में 25 दिन का उत्सव होता है।
एक बात अलग हो गई, बट जिसको प्रभुपाद ने आपने स्वयं प्रभुपाद ने आपको करा और स्थापित हो बैठे जगत पर्वत छोटा गोपिंदा अपने सामने लोग बैठे 25 दिन तक वो लोग पूरा जगन्नाथ जी के समय ये उत्सव मनाते हैं। इसलिए ये जगन्नाथ जी की विशेष विशेष वैशिष्ट है जगन्नाथ जी, जैसे ऊपर दिखता है ऐश्वर्य है लेकिन अंदर में ये पूरा पूरा महाभूत है, क्योंकि ये राधा रानी की कथा सुनकर 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 सुनते राधा रानी के प्रेम की कथा सुनकर सुनकर सुनते सुनते ये पूरा सरभूत हो गया। इसलिए जिनका विग्रह को जो आप देखोगे उनका नाम जगन्नाथ है, जगन्नाथ कृष्ण काल है, इसलिए उड़ीसा जैसे उसको कालिया कहते हैं, कालिया कालिया मतलब जो काला है, लेकिन जगन्नाथ जी को देखना नाम तो कालिया को काले लेकिन काले नहीं गोरे, तो उनका आप ही काली है लेकिन वो गोरे, क्योंकि वो राधा रानी की चिंता करते 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 जैसे कृष्ण राधा रानी का चिंता करते करते गौरव बन गए, ये जगन्नाथ जी ये राधा रानी कथा सुनते सुनते राधा रानी के भी रह गए कि जगन्नाथ कृष्णा ये पूरा ही द्रविण को आप बोल गए। इसलिए ये राधा प्रेम की इसी विशेष वैशिष्ट को बता रहे हैं। इसलिए महाप्रभु 18 साल तक वही जगन्नाथ जी में रहे कंटिन्यू, हर रोज जगन्नाथ जी की दर्शन महाप्रभु ने किए, सारे महाप्रभु के भक्त सब ऐसा जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तक भी आप लोग जान गए अंदर में जब महाप्रभु जी दीवार में ऐसे हाथ रख करके गर्व स्तंभ के पीछे जब खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे, आप देखना महाप्रभु का 3 अंगुल तो अंदर में प्रवेश कर गया, नीचे सब फट नीचे, और जहाँ महाप्रभु खड़े हुए थे वो पत्थर एकदम द्रवीभूत होकर के महाप्रभु का चरण का चिन्ह ये और नहीं ये सब चीज देखने को नहीं मिलता है। महाप्रभु का केवल थोड़ी में ही ये चीज देखने को मिलता है, जगन्नाथ का दर्शन करते हुए हाथ अंदर में और महाप्रभु का चरण का चिन्ह वहां पर रखा हुआ है। और एक चिन्ह है कहा आराधनाथ, जब महाप्रभु मंदिर दिन तक जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलता था महाप्रभु के शिला के ऊपर में महाप्रभु लेट जाते थे और राधा रानी गिरह में, हाँ राधा रानी गिरह में इसे यहाँ पर महाप्रभु कृष्ण गिरह में उठना बैठना उठना सोना करते करते ऐसे कृष्ण गिरह में तड़फड़ा करते थे महाप्रभु, तो पूरा पत्थर जरूर छोड़ के महाप्रभु का जो हाथ उनका छाती उनका सीर उनका प्यार उनका जंघा ये सब के सब उसमें एकदम बहुत बड़ा चिन्ह प्राप्त लगता है। और कृष्ण का है ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर का चिन्ह देंगे, कृष्ण का केवल चरण का चिन्ह वृंदावन में है, राम का भी आप तामोद जी में गए अयोध्या हम मंदिर गए थे वहां पर भी राम भरत का जो मिलन है हम गुरु जी के साथ में गए थे, महाराज जी हम सब लेके गए मथुरा से लेके गए तो बस पूरा वहां पर राम भरत का मिलन हुए पूरा जैसे किचड़ किचड़ हो जाता है तो स्थान एकदम द्रवित हो गए थे जैसे किचड़ की तरह स्थान हो जाता है, सारे अयोध्या वासियों का भरत शत्रुघ्न ये सब लोगों का चरण चिन्ह वहां पर है। लेकिन अभी किसी किसी भगवान का संपूर्ण जो शरीर का जो चिन्ह है वो कहीं नहीं मिलता, केवल पुरी में जीवन महाप्रभु का संपूर्ण शरीर का जो हाथ पैर नाक मुख सब वो शिला पर्वत में चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए महाप्रभु का सारे सारे तब बड़े अच्छे तरह से उत्सव मनाते हैं। इस बात पर कोई भी जाए तो अगली बार में टाइम जाना क्योंकि जगन्नाथ जी के 13 साल के बाद में जगन्नाथ का शरीर बदलना है, लेकिन इस बार 19 साल के बाद में जगन्नाथ का शरीर बदल 19 साल के बाद में, इसलिए अगली बार जो उत्सव होगा बहुत धूमधाम से
बहुत लोग आने के प्रश्न करेंगे एक उन्होंने सात सवाल की जगन्नाथ की ये शरीर बदलेगा ये सब कुछ सब रेडी रहना अभी साल के अध्यात्मा जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए जब महाप्रभु जगन्नाथ अभी वो गुंडिचा मंदिर में जाएंगे पर अभी महाप्रभु चार दिन तक जगन्नाथ जी गुंडिचा मंदिर में जाएंगे इसलिए हर साल राजा ये नौकरों को देख करके ये मंदिर को साफ करवाया करता था। जब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए बोले भगवान जहां पर बैठेगी वो स्थान तो नौकरों को देकर के सेवा करवा रहे हैं क्या भगवान की नौकर का अभाव है अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड में उन कितने कितने सेवक उनको कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारा प्रियतम स्वयं स्वयं जगन्नाथ जी हमारा प्रियतम वो आकर बैठे वो स्थान को आप साफ करोगे नौकरों को देखे थे नौकरों को देखे थे साफ नहीं होता वो स्थान करते ही जैसे एक मंदिर स्थापन कर कई तक हमारे पास में एक नौकर रखवा पूजा करने नहीं भगवान को भक्ति को प्रेम सेवा अपना हाथों से करनी चाहिए। जैसे राधा रानी दिनभर करती है दिनभर राधा की क्या करती है इसलिए उनका नाम ही राधा है राधा मतलब है सबसे ज्यादा जो आराधना भगवान को करती है सबसे ज्यादा जो सेवा करती है राधा दिनभर राधा रानी कृष्ण सेवा को छोड़कर कुछ नहीं जानती है। जब तक राधा रानी जीवन की धनिया खाना नहीं खाते कृष्ण प्रसाद नहीं पाते इसलिए एक समय अभी तक कृष्ण जब ब्रज में रहते थे मैया रजनी और यशोदा ये दोनों खाना बनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ श्री वृषभ महाराज श्री नंद बाबा को निमंत्रण बोले आज ये दोनों बड़े आपस आपस में बड़े मित्र हैं बोले आज हमारा घर में आपका प्रसाद एक राजा दूसरे राजा को बुलाया। जब नंद बाबा आए मैया यशोदा कृष्ण और कृष्ण का जितने द्वार हुआ ये सब के सब आए प्रसाद भोजन के लिए श्री वृषभानंद महाराज के घर में। तब श्री वृषभानंद महाराज राधा को चावट से बुलाए बोले कृष्ण सखा के साथ में आ रहे हैं आज खाना तुम बनाओ और तुम्हारी सखियों के साथ राधा के वो अमृत था दुर्वासा के जन्म उनके घर में आए राधा ने बड़ी सेवा की उनको आशीर्वाद दिए ये तुम्हारे हाथ में जो कुछ बनेगा अमृत बनेगा तुम्हारे हाथ का खाना जो खाएगा वो अमृत को प्राप्त करेगा वो सहज में गुना नहीं होगा उसका जस सारा दुनिया में जाएगा शरीर में बड़ा उत्सव होगा। अभी राधा ने आकर के कृष्ण के लिए खाना बनाया क्या क्या खाना बनाई भक्ति में रखा हमने भज श्री गौर हर की भजन में भक्तिमन ठाकुर वर्णन करते हैं ठीक है
जैसे आपका घर क्या करते हैं, एक साथ सब खाते हैं, और सब खा ले बंगाल में कैसे नहीं, इसलिए भक्तिवना ठाकुर ने उसको वर्णना करते कमल में दे दो वर्णना करते सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए, पहले सुखता रोटी खाए, सुखता मतलब वो कड़ोजी रक्त में खाली पेट नहीं, खाली पेट में पहले अगर मीठा है तो कहीं खराब हो जाएगा, इसलिए पहले कड़ी चीज खाओ तो उसको पेट में सही है, इसलिए सबसे पहले भक्तिवना ठाकुर लिखते हैं पहले कोई कड़ू चीज खाओ तो शरीर के लिए अच्छा है, और उसको बाद में क्या करने चाहिए, एक साथ नहीं देते आप उसी गौड़े मठ में जाओ पूरा एक एक चीज आपको एक को आप एक देंगे, एक साथ सब नहीं देते, एक साथ सब दे दिया ना वो बड़ा अपमान बोध करते हैं, जिनको खाना खिला नहीं गया था खाना नहीं जानते, एक साथ सब दे दिया एक को बाद एक देते, राधा ने आज स्वयं खाना बनाई और भगवान कृष्ण को उन्होंने सखियों के साथ में खिलाया, अभी तक तो मैया यशोदा रोहिणी को हाथ में खाते थे, लेकिन जब श्री नारायणी को हाथ में कृष्ण जब एक एक चीज खा रहे थे उनको ऐसे लग रहा था कभी जिंदगी में ऐसी चीज खाई, इतने अद्भुत उसमें टेस्ट है, क्या स्वाद उसमें, कृष्ण तो एक एक चीज को खा खा कर तैयार हो रहे थे, उन्हें क्या आज बनाया ये खाना नहीं जैसे अमृत है, फिर नारायणी का खूब अपना हाथों में एक मनोहर लड्डू बनाते हैं राधारानी, जिसमें काजू पिस्ता और बादाम और दे करके एक राधारानी लड्डू बनाती है, कृष्ण जब वो लड्डू खाते हैं ना बोले तो बगल बजाए खाते हैं हरी को, ये भक्तिवना ठाकुर कहते बगल मतलब है हाँ ये इसको कहते बगल बजाते हैं, वो लड्डू को खा कर ना कृष्ण आनंद तुम्हारे को क्या बनाया, क्योंकि आप खुश हो जाते ना ऐसे ऐसे वो एकदम प्रेम उन्माद हो जाते हैं कृष्णा, तब जब तक ये लड्डू नहीं खाएंगे तब तक जैसे हम लास्ट में मिठाई खाते हैं, अब देखो अब यहाँ पर मेरी इधर वही मिठा कर लेकिन उधर लास्ट में मिठा, क्योंकि मीठा खा लिया तो उनको बंद कर देता है पर और कोई चीज खाने की इच्छा नहीं करता है, इसलिए लास्ट में ये मीठा को खाते हैं, अभी कृष्ण राधा रानी का हाथ भी खाना तो कृष्ण खा करके वो वर्णना करते हैं, राधा रानी का शरीर इतने कोमल है, इतने कोमल है कि चंद्र का जो किरण है वो भी राधा रानी को स्पर्श करता है, चंद्र किरण कितना सुस्त तो राधा रानी इतने कोमल है, लेकिन जब कृष्ण के लिए ये रोशनी बनाती है राधा रानी बीच में बैठी हुई होती है, चारों तरफ में 15-20 घंटे की भाग अट्ठा क्या चूल्हा है, 15-20 चूल्हा है, राधा रानी बीच में बैठी हुई, आप चूल्हे को रोसे बनाओ एक चूल्हे में इतना गर्मी यहाँ 15-20 यहाँ चूल्हा लगा हुआ, राधा रानी आते से रहेंगी कृष्ण गैया चला करके आगे वाले जल्दी विशाखा के लिए बनाओ, ललिता के लिए बनाओ, चंपक लता के लिए बनाओ, राधा रानी सबको आदेश देते हैं, और उनको ऐसे लगता है जब उसको बीच में बैठ कर रोसी बनाती है मानो किसी तैयार करने से रूप में बैठे, क्योंकि कृष्ण के लिए खाना बना लेंगे भगवान के लिए, क्योंकि कृष्ण तो राधा रानी का हाथ खाना खा करके दुनिया को भूल गए, जब वो घर में आए मैया यशोदा रोली जब खाना बनाया ना उनका अच्छा नहीं था, भैया हम उस दिन गए थे ना पढ़ना वो उसी दिन जैसे खाना बनाया था ऐसे बनाओ ना कितना बढ़िया बनाया खाना तुम ऐसे बनाओ, भैया बोलती मैं तो बढ़िया से बढ़िया बनाती हूँ, बोले उस दिन जैसे स्वाद नहीं आ रहा, मैया को एक ही लाला मैया को लगता है मेरे लाला ठीक से भोजन नहीं कर रहे, फिर उन्होंने ये जटिला पुतला कितना तेज है वो पता है, ये दोनों को कपड़े अलंकार का लोभ दे देते थे, जिसको जिसको प्रेम जिसको हमारे चमत्कार करने का हमारे विश्वनाथ ठाकुर को वर्णना करते हैं, कैसे मैया जटिला अलंकार और कपड़े को दे करके कैसे वहां से राधा रानी को बुलाती जावट में रोजे बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु पुरी में आए
फिर जिनकी सेवा की हम राधा रानी अपना सखियों के साथ में राधा रानी जी की सेवा करती है और उनकी सेवा किसी नौकर से करवाएंगे, नौकर को द्वारा सेवा नहीं बताए, सेवा को अपना भक्ति भाव और प्रेम से सेवा बताए। हम नौकर को द्वारा नहीं, महापुरुष स्वयं श्री राजा के पास में ये सेवा उन्होंने मांग कर दी, बल्कि ये सेवा मुझे दे दे। कौन सा सेवा? सबसे नीचा सेवा है, स्वीपर का सेवा है, झाड़ू लगाने का सेवा है। इसलिए भक्ति जगत में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। हमारे मंदिर में, हमारे गुरु का मंदिर में भले ही जो कितने बड़े क्यों नहीं हो जाए, जब पहला आ गया ना, उनका सबसे काम है हमारे गुरु जी, उनको पहले मंदिर साफ करने का सेवा करो, ये मंदिर साफ पहले करो, क्योंकि ये बर्तन सेवा, ये गौड़े वर्ग में पहला आते थे, ये सब करनी चाहिए, बर्तन को पीसनी चाहिए, मंदिर सेवा करे इसे साफ करनी चाहिए। ऊपर में से तो हम उसको साफ करते हैं, लेकिन अंदर से क्या हृदय साफ हो जाता है। जितने ठाकुर जी का मंदिर मार्ग बोले, कोई पुराना कदम पुराना था, कोई भी राजा था, वो रोज आकर के भगवान का विष्णु मंदिर को अपना हाथों में साफ करता था। एक व्यक्ति ने देखा, ये राजा हो करके ये रोज आकर के मंदिर साफ करता अपना हाथों से, पूछा ही लगा था। तब उसको पूछे, आप राजा होकर के ये अपना हाथों से ये मंदिर क्यों साफ करता? आप तो बहुत नौकर नौकर हैं। राजा ने कहा, हमारा पूर्व जन्म की बात याद है, लिखिया याद है। फिर पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दुष्ट था, ब्रह्मा था, एक बेसा को लेकर के उसको साथ में गलत बताओं के अंदर में जंगल में ले गए। लेकिन मेरे को पता नहीं था वो मंदिर था विष्णु भगवान का मंदिर। मैंने वो गलत काम करने के लिए अपना कपड़े से वो मंदिर का जो पीछा का भाग था उसने साफ किया, साफ सुथरा का गलत काम किया। लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु, इतने कृपा हो, मेरे गलती चीज को ठाकुर नहीं देखा। मैंने जब मंदिर पर साफ किया, ठाकुर जी वो चीज को देखा और किसी दीवार की मेरे को ठाकुर जी राजा बना। गलत काम करके अगर राजा बनाए, हम सोचते हैं अगर भक्ति पूर्वक भगवान की मंदिर को साफ करेंगे तो भगवान क्या निकलेंगे। इसलिए भगवत मंदिर माध्यम आप देखो, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण नहीं राधा कृष्ण दोनों मिल करके ये महापर्व का रूप में आए। क्या कौन सा सेवा मार गए? सेवा कैसे ले रहे हैं? कभी बताए ना, अरे भाई अपनी ये सेवा करना, ये साफ करना, ये बर्तन लाना, करना ये काम कोई करना नहीं चाहते। लेकिन आज भगवान स्वयं मान करके लेते हैं, नहीं ये सेवा मुझे दी जाए, मैं स्वयं करवाना चाहता हूं, अकेले नहीं, सखा बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, गदाधर स्वयं राधा रानी, श्रीवास पंडित स्वयं श्री नारद जी और महापुरुष जितने परि गए हैं, ये सबके सब मिलकर के कौन सा सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे भक्ति जगत में ये भगवान की मंदिर स्थाप करने का, भगवान की बर्तन मलने का विशेष महत्व है। इसलिए मैं जब गुरु जी अगर मंदिर में आए, गुरु जी ने बल्कि नाथ मंदिर साफ करना हमारा सेवा है। और वहां पर सारे श्लोक लिखा हुआ, मैं मंदिर साफ करता था, आप अगर गुरु जी का मंदिर में जाओगे ले जाऊंगा, इसमें सब श्लोक लिखा हुआ, गुरु तत्व प्रेम तत्व किसी का उपदेश तत्व, मैं मंदिर साफ करता था और श्लोक करता था, मंदिर साफ कर चेत तत्व मार्जन, चेत तत्व मार्जन रखता था, चित्र में मंदिर साफ करता था। और बर्तन का मैं तो बर्तन समझो कितने साफ बोला, मैं कितने बर्तन के बीच साफ रखी मंदिर बर्तन बोला, वहां भी बोला, मथुरा में भी बोला, वृंदावन में बोला, रसोई एक करके कितने दिन तक बड़ी रसोई बनाई और मंदिर साफ कभी नहीं करता। जब वृंदावन में जाता हूँ, पाँच लेकर पहले मैं सिर्फ पानी लेकर के मंदिर में देता हूँ, सच सच रुपये लेता हूँ, आप मंदिर साफ कर भगवान। इसलिए जो जितने ये सब ठाकुर जी की सेवा करेगा वो साधारण मसीह नहीं, ठाकुर जी की सेवा पाना, हाँ उनका भक्त मन, उनका मंदिर साफ करना, उनके लिए माला, एक साधारण मसीह नहीं।
यह जब इतने इसको कहेगा उसका हृदय उतना ही साफ रहेगा, और जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करेगा जगत में देखना वो उतना ही ऊंचे होते। मैंने मथुरा में ये चीज को देखा है, जो जितने वहां पर गुरु जी महाराज की सेवा की तन मन धन से हर तरह से, अभी वो दुनिया में उतना ही पूजा पा रहे हैं, जगत को उतना ही वैष्णव का महिमा है, जगत को उतना ही उनका प्रसन्नता है, वही लोग भी प्रचार करें सारा दुनिया में, जो जितने रगड़ करके अपना शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपना परिचय भक्तिविनोद ठाकुर ने किया दिया, बोले नाम हाथ का मैं झाड़ू परिचय में हम झाड़ूदार होता हूँ, नाम आपको तो नाम का हरि कीर्तन होता है, वहां का मैं झाड़ूदार। ये इतने बड़े मैजिस्ट्रेट थे पर कृष्णा कमल मंदिर वो परिचय देते में झाड़ूदार होता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती क्या प्रार्थना करते हैं, कहते तुमको विद्या सखी वो क्या प्रार्थना करते हैं, जल की कृष्ण बहुसव हलुका सुबाणी नित्यम परस पुरुषिखंड जैसा तुंग प्रार्थना करेंगे, एक कितना सौभाग्य होगा, भैया कौन सा सौभाग्य प्रार्थना कर रहे हो, जिस पूज्य महल में श्री राधा रानी मान करके बैठे हुए अब श्याम सुंदर पात्र के श्री राधा रानी से मिलना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी बोले आज मैं किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ, बोले कोई काले चीज मेरे सामने बदला होने काले से भूल रहे, सत्य जी में भी एक काला था राम का, बड़े सुंदर स्त्री को साथ में लेकर गया और जटा जी को बनाकर साधु ले जितने गुंडा रहे थे ऊपर के साधु पर उसके धर्म स्त्री फिर उसने क्या किया, बोले इतने सुंदर तुमने रूप भी उसने बताया जिस रूप का प्रति आकृष्ट हो गया सुपर घर, बोले उसकी दोष थोड़ी स्त्रियों का तो स्वभाव है कि सुंदर चीजों से आकृष्ट होना, दोष तो उसकी ही नहीं दोष तो तुम्हारे था, तुमने इतने रूप को सुंदर बनाया कि वो आकृष्ट हो गया तो भैया कोई बात नहीं शादी मत कर मत करना, उसे नाम काम कर रहा उसे ना अंदर कर दिया, बोले ये एक काले था सत्य युग में तृतीया युग में भी कम ये तृतीया युग में एक सत्य युग में भी काला हुआ, बोले वो काले पर कोई ब्राह्मण थे, बोले ये कौवा कौवा काला है, ये कौवे की जैसे इनका स्वभाव है, कौवा क्या करता है कितना कोई अगर कोई खाना चीजें लेकर जाए वो खुद खाएगा फिर का करेगा ना और उसके साथ कौवा ही इकट्ठे कर देगा, वो खाएगा फिर तो वो मारेगा, कहते ये बामन देव जी को मैंने क्या किया, भगवान बस तीन पग जमीन मांगे बलि मांगे तीन पग मांगे, भैया तीन पग मांगे कोई बात नहीं, पहले क्या हो गया अपना प्रयास से बात करेंगे मैं सच हुआ हुआ बस नहीं अलग लेना तो तुम पहले जैसे बन करके आया था कौन आता उससे माफ कर लो, एक प्रयास बढ़िया तो भूल भूखो भोजन तब तो सब लोग ले दूसरे प्रयास में अकल विकल कला का फल, भैया की कोई ढंग है ले लिया कोई बात नहीं फिर उसको नाम पास करने में बदला दिया, ये जितने काले का वैसे और जो द्वापर युग में काला गोपियां करते थे वही काला जितने काले हैं ये भी एक काला ये कन्या भी एक काले हैं, हम तो बंसी पर जाकर बुलाए और हमें बताए उन लोग तो मेरे प्राण के प्यारे नयन के तारे हैं, तुम्हारी मुहर चल क्या 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 हमें मीठी मीठी बोली बोलकर का उठाया और हम छोड़ कर कहाँ बना के और हमको रुला रहा है, इसलिए हमें ये यहाँ पर हमको ये रुला रहे हैं यहाँ पर, इसलिए राधा जी कहते हैं ये काले से कोई जरूरत नहीं, मेरे सामने कोई काला से नहीं मिला पर तुम्हारी जो क्रूर है ना ये भी काला मेरे चंदन लगा कर सकते केसरी काले उसको क्या करे दुर्लभ को माला से उसको ढक दो कोई काले से मेरे सामने मत लाया करो, इसलिए जहां पर जिस श्याम सुंदर जा करके जिस सखियों को मंजर को उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े कर दिया कृष्ण को आने मत देना, कृष्ण आकर के उनकी जगह में हाथ जोड़ करके
जितना अंदर ही जाने दो, राधा रानी के साथ मिलने दो। प्रबोधन सरस्वती कहते हैं जिस पूज्य भवन में श्री राधा की मान करके बैठ गई, कभी क्या ऐसे सौभाग्य होएगा वो पूज्य मंदिर में जो सखियां झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, और झाड़ू का एक उन्हें सलाता होता। ये प्रबोधन सरस्वती का ये प्रार्थना है। वहां झाड़ू करने के लिए एक सलाह मैं बन जाऊं, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये झाड़ू लगाने का इतने महत्व है, हाँ इतने महत्व है झाड़ू लगाने का। कहते श्री श्यामा प्रभु, कहते राधा रानी की चरण के नुपुर उनको मिली, कैसे उनको मिली गई थी नुपुर, केवल झाड़ू लगा, केवल झाड़ू लगाते लगाते उनको राधा रानी की कृपा की और चरण के नुपुर राधा रानी चल गई आपने, और राधा रानी की चरण की नुपुर को प्राप्त करते हैं। ये झाड़ू लगाने इतने महत्व है, ये हरि मंदिर में भगवत मंदिर में ये झाड़ू लगाने का इतना महत्व है। हाँ, इसलिए जगन्नाथपुरी में एक पुरुषोत्तम देना एक राजा हुए, कहते उन्होंने वहां पर एक देश है कांची देश है, ये कांची देश का राजा की बेटी बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुंदर थी। अभी उन्होंने देखा अपना बेटी उसने जहां पर मरु सुना ब्रिटिश मरु सुना ले गया ना, और मरु सुना नहीं पड़ता, उसने बड़ा प्रभावशाली सोचा मेरी इतने प्यारी बेटी हम किसको साथ में शादी करवाए। हमने देखना ये पूरी का जो गजपति राजा है, राजा गजपति है, इनका बड़ा प्रभाव है, हम इसको साथ में अपना बेटी को शादी करवाए। तो उन्हें साथ बात चला, बात करके पक्की हो गई कहेंगे। उन्होंने सुना वो राजा सबसे बड़ा ऊपर पहली बार श्री जगन्नाथ की रथया था, वो देखने के लिए मेरे दामाद को जान करता कितने, मैंने सुना बहुत बड़ी रथयात्रा निकल गई इसमें लाख लोग होते हैं, वो देखने के लिए आए। और देखने के लिए आए तो सोचा क्या करना है, दामाद वो सारे जनता जनता के सामने गले में गला पहनिया वस्त्र लगा करके रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। राजा ने देखा ये बहुत ही क्या करना है, झाड़ू लगा रहे, मैं अपना बेटी को यदि झाड़ूदार साथ में साथ दूंगा, अगर कोई देखने के लिए कभी आए चलो तो फिर दामाद क्या करता है देख लेगा, अगर वो देखेगा कि मैं रोड के ऊपर झाड़ू लगा रही हूँ फिर जो कहेंगे झाड़ूदार के साथ में अपना बेटी को मैं शादी करवा रहा है। रानी को इतने बड़े तुम व्यक्ति होकर के उन्होंने तो उनको दुख हुआ, बोले भैया उसको साथ में अपना बेटी को मैं शादी नहीं करवाऊंगा झाड़ूदार से। उन्होंने बात बंद कर दिया, जो बात चले बंद करवा दिया। राजा ने एक दूत को भेजे, देख करके आप क्या बात है, तो शादी का बात करके पक्की हो गई थी, उन्होंने आना ही जाना बंद कर दिया। एक दूत आकर पूछा क्या हो गया, अपने आगे बात क्यों नहीं बढ़ाए, बोले भैया हम देखने के लिए देखते दामा से क्या करता है, देखा एक झाड़ू लगा रहा है, एक झाड़ूदार से अपना बेटे को शादी दे करके क्या अपना बदनाम करवाना, हम नहीं कर सकते। तो मंत्री आकर के सारी बात राजा ने बोल दिया, राजा कितना बिगड़ गया, बोला हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, साधारण व्यक्ति का झाड़ूदार नहीं हूँ, जिनकी सेवा पाने के लिए वे ब्रह्मा बंधु अमरपति गणेशाचित पद जगन्नाथ स्वामी नयन प्रगामी भगत में, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी गणेश स्वयं बलदेव प्रभु की सेवा करते हैं, मैं तो अहो भाग्य मानता हूँ ठाकुर जी मेरी थोड़ी सी सेवा को स्वीकार करते हैं, और मुझे उन्होंने झाड़ना बताया, हाँ झाड़ूदार हूँ जगन्नाथ जी का हूँ। क्रोध आया, उन्होंने एक दूत भेज दिया, बोले जाओ वो राजा को बोलना पूरी गजपति राजा ने बताया ये आपका देश के ऊपर में आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा आपकी बेटी को लेकर के एक झाड़ूदार से शादी करवाएगा, और इनका जो इष्ट श्री जगन्नाथ जी, और वो जो राजा का उसका इष्ट है वो भंड गणेश है,
आप जगन्नाथ जी का ठीक मंदिर को पीछे जाकर देखना, वो गणेश सही बैठे हैं। अब उनका गणेश साथ चला, बोले जो हार जाएगा उसको इष्ट आकर के, जो जीतेगा उसको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा। ये सब करो राजा सैन्य सामंत को लेकर गए युद्ध करने के लिए, घमासान युद्ध हुई, लेकिन राजा किसी तरह से उनको परास्त नहीं कर पाए, परास्त नहीं कर पाए। शाम हुआ तो वापस आ गए, आकर के उन्होंने सीधा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, सीधा जगन्नाथ के चरण में लगे। बोले ठाकुर जी ये लड़ाई आप मेरे और राजा का अंदर में नहीं, मैं इसीलिए युद्ध करने के लिए गया, मैं आपको दरबार में झाड़ू लगा रहा था, उसने मेरे को अपमान की, अगर मैं हार गया तो आप ही हारे हो, मैं जीता तो आप ही जीते हो, अच्छे तरह से याद रखो। अगर मैं हारूंगा ना आपको जाकर के उनका जो इष्ट गणेश वो घंटे गंज को कुछ बैठना पड़ेगा, इसको भी याद रखना। जब उन्होंने राजा को ऐसे प्रार्थना की, थोड़ी सी उनका झमकी आते ही जगन्नाथ ने सपन दिया, मेरे बेटा कोई बात नहीं, कल मेरे तेरे साथ में स्वयं युद्ध में मिल जाएगा, चिंता मत कर। सचमुच से वो राजा जाने से पहले स्वयं जगन्नाथ बलदेव, आप लोग जगन्नाथ मंदिर में गए थे देखना, दक्षिण दरवाजा उनका चार दरवाजा, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। आप दक्षिण दरवाजा में देखना कृष्ण बलराम दोनों दो घोड़े ऊपर बैठे थे, एकदम 14-15 साल में बालक जैसे बड़े सुंदर रूप लेते थे, एक सफेद घोड़ा और काले घोड़े, ये दोनों भैया दोनों बैठे कोई रूप लेते थे, वो गए थे युद्ध करने के लिए। अभी भगवान स्वयं राजा जाने से पहले दोनों भैया हो गए, अभी कलवार नहीं था, बजे तो नहीं, बहुत दूर करना दूर बहुत, इसलिए दोनों भैया दोनों घोड़े लेते अस्त्र शस्त्र हाथ में युद्ध करने के लिए चल पड़े। चलते चलते सबर का नाशा दी में थोड़ी दूर जाके भूख लगी, भूख लगा मतलब है किसी भक्तों को पर भी कृपा करना, ठाकुर को पूरा भूख लगी। एक ग्वाल थी जिसका नाम की माई थी, वो दही बेच रही थी, अभी भी उधर का दही बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्ध है, कभी ये किस पा कहते किसी मटकी मटकी में दही की जवाब है, वो दही इतने गाढ़ा इतने गाढ़ी दही, कभी जो मांस का एक टोकरी होता है वो टोकरी में दम जमाते हैं, एक बूंद नीचे नहीं है, इतने गाढ़ा दही। उनको ऊपर पे भगवान की कृपा करना, बोले माता जी माता जी हम दोनों भैया को भूख लग रहा है, हमको दही पिला दे। देखा बड़े सुंदर बात हो गई, एक श्याम रंग एक और रंग की, एक पीतांबर और एक नीलांबर, ईश्वर भगवान स्वयं दोनों बालों को देख कर खुश हो गई। और बोले लोग पिलाते 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 जो दोनों वो सारे दही को पूरा पूरा खा लिए, क्योंकि पहले से उसको तो आदत है दही मक्खन खाना, वो तो खाने के बड़े मस्त है, पूरा पूरा सारे दोनों भैया दही खा लिया। बोले पैसा को बोले क्या ये दही को बेच कर मैं अपना संसार चला दूं, तुम लोग पैसा है पहले सोचे कि पहले खा लिया पैसा आपको बोला झंड रहे हो, बोले पैसा दो। बोले पैसा देने बोले पहले तुम लोग सोचा है ये पैसा देना पड़ेगा, बोले भूख लग रहा था खा लिया। तब उन्होंने बोले देखो हमारा पीछे एक राजा आ रहा है गजब पुरी का राजा, हम उनको दो सैनिक हैं, इसलिए उनसे पैसा मांग रहे थे, पैसे उनको पता नहीं चलेगा, उन्होंने दही ना कर गए, मैं कुछ साबुन दे के दे दिया हो कम से कम पता चले। उन्होंने उनको हाथ में एक अंगूठी दी, हीरे की अंगूठी, उन्होंने उसको निकाल करके बल्कि इसको दिखा देना राजा अपने आप पहचान जाएंगे, हम उनको दो सेवक हैं। बस दोनों भैया चले गए, थोड़ी देर बाद राजा अपना सैन्य सामंत को लेकर दूर दूर के घोड़े के ऊपर बैठ करके आगे रद्दे में बैठ करके सैनिकों साथ में आ रहे थे।
इतने में वो बीच में चले गए, बोले महाराज रुको रुको रुको, बोले क्या बात है, बोले आपका दो सैनिक बहन गए और मेरे सारे दही मार लिया और उन्होंने पैसा जीत लिया। बोले भैया हमारे दो सैनिक नहीं गए, हम तो अभी अभी आ रुके नहीं, वो परिचय दिया आपका दो सेवक तो सैनिक है। बोले कोई प्रमाण? बोले हाँ उन्होंने कहा मुझे देख लिए। बोले कहाँ? बोले दिखा। मैंने दिखाया वो गिरे थे, वो सोच रहे थे जब कितना खाए वो पत्थर देने गए, वो गिरे थे, उसको क्या पता है गिरे की कितना कीमत है। उन्होंने स्वयं बना करके जगन्नाथ को धारण कराया, उसको बोलने जगन्नाथ के नाम लिखा हुआ, उन्होंने स्वयं जगन्नाथ को धारण कराया। राजा ने कहा ये तो मैंने जगन्नाथ को धारण कराया था, मतलब दया ही बनाया हुआ है, तो वो पहचान गए स्वयं ठाकुर जी दोनों भाई मेरे से पहले चित्र करने के लिए गए। उन्होंने जब देखा इनकी दही खा के गए वो समझ गए ठाकुर जी थोड़ी भूख लगता है, वो तो आत्माराम आप्तकाम है, लेकिन भक्ति को सामने उनको भूख लग जाती है। मैया के पास में सेकंड सेकंड में बच्चा लेते भैया मेरे को बिस्तरी मक्खन खिला दे, मेरे को तो बिस्तरी मक्खन खिला दे। बोले क्यों? प्रेम में प्रसिद्ध हो गए ठाकुर जी, इसलिए जब देखा इनके दही खा के गए तो कितनी ये सौभाग्य वस्तु रहेगी। जब राजा उतरे उसका चेहरा छू गया, तो कितने सौभाग्य बात हो, वो कोई समझ दूत नहीं करे प्रभु जगन्नाथ और श्री बलदेव साक्षात रूप में, तो कितने सौभाग्य होती उसको, तो छोली रत्नों से उसकी छोली भरती है। बोले तुम यहाँ खड़े होकर के देखो जितने दूर तक पर दिखा जा रहे, जितने दूर तक आज से इसी स्थान का तो रानी उसका नाम तक लिखवा करने चले गए। अभी भी वो स्थान का नाम है मानकी पाटना, वो ग्वाली का नाम है मानकी, इसलिए अभी भी वो गांव का नाम मानकी पटना उसका नाम रख दिया है। राजा जब गए देखा कृष्ण बलराम तो घमासान युद्ध कर रहे हैं, वहां पर घमासान युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जितने सैनिक को मारते थे वो देखते थे खत्म नहीं हो रहा है, उतना सैनिक कहां से आ रहे हैं। रघुवीर ने किया जितने मार रहा उतना ही आ रहे हैं, उन्होंने पता लगाया देखो तो सही क्या हो रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका जो इष्ट था गणेश भंडर गणेश, उनको गोद में एक देवी है जिनकी आराधना है रिद्धि सिद्धि देवी, वो जितने सैनिक मारते उतना सैनिक को प्रसन्न करते हैं। बोले भैया ये कमाल है, जगन्नाथ जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उठाया हमको, बोले भंडर गणेश से सिर काट दूंगा, तो ऐसे कर दो सिर काट दूंगा। जब उन्होंने धनुष उठाया गणेश को मारने के लिए, बोले प्रभु मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, फिर उन्होंने उसको बंद करवा दिया। फिर सैनिक बंद हो गए, फिर राजा ने सारे सैनिक को परास्त कर दिया, कृष्ण बलराम उन्होंने ये राजा को उन्होंने बंदी बना दिया, बंदी बना करके राजा को उन्होंने ला करके राजा पूरी का जो राजा पुरुषोत्तम थे, बोले लो आप भगवान बन दिया, अभी आपका सेवक है, आप जो कुछ करना आप उनको करो। तो उन्होंने वहां से उन्होंने चार चीज को लेकर के आए थे, एक मयूर सिंहासन जिसको ब्रिटिश लेके आए, दूसरा है आप गए होंगे गभिया, गभिया में गभिया में प्रवेश करते ही उल्टा हाथ में जो विग्रह है वो विग्रह का नाम राधा नाम है, तो वो विग्रह को वहां से वो विग्रह को लेकर के आए। तीसरा चीज गणेश जी को लेकर के आए, आप जगन्नाथपुरी में जाना तीन जगन्नाथ मंदिर को पीछे देखना, वो गणेश जी वहीं पर बैठे हुए हैं, उनका सर्वथा जो हार जाएगा उसका इष्ट उसको इष्ट को पीछे बैठेगा वहीं पर बैठे हुए। और उन्होंने चौथा चीज लेकर के आए थे वहां से उनकी जो साखी गोपाल, अब नाम साखी गोपाल, ये गोपाल को वहां से लेकर के आए। और पंचमा से लाए उनकी बेटी, उनको बेटी को लेकर के आए और ला करके उन्होंने दे दिया मंत्री को, महामंत्री लोग बेटी को आप किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करा दो, क्योंकि उसने मेरे को बताया ना एक झाड़ूदार से अपना बेटी का तो शादी देगी, मतलब इसको किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करवा देना। अभी मंत्री को बड़ी चिंता में पड़ गया,
अभी ये दादी बदलवा इतने प्यारी बेटी इतने सुंदर दाल सुनाई हम एक झगड़ा कर इस साथ में मंत्रिमंडल बैठ गए थोड़ी मीटिंग तो उन लोगों ने कहा क्या कर देखो एक साल बाद फिर बदल आएगी फिर राजा घर लगाएगी जब घर लगाएंगे ये बेटी को हम दुल्हन बना के फिर उसको लेकर राजा की शादी करवा देंगे वो बेटी को उसे छुपा के कर देंगे राजकुमारी को एक साल बाद फिर जो रथ यात्रा थी राजा झाड़ू लगाए इसको दुल्हन बना करके बजे के साथ में गाजे बाजे के साथ में इसको पालन में बैठा करके हाथ में बरमाला दे दिया राजा को गले में डाले वो लड़की जाके माला राजा को गले में डाल दिया। इतने में राजा ने कहा मंत्री मैंने राजा से अच्छे झाड़ूदार की शादी दिला दी मेरी बोले प्रभु आपसे बढ़िया झाड़ूदार पर हुए हैं आप जैसे अच्छे झाड़ूदार को दुनिया में है क्या। फिर मंत्री लोग ने समझाया कि महाराज ये आपकी रानी बनने वाली थी राजकुमारी आप इसको स्वीकार कर बोलने पर राजा उनको स्वीकार कर देखो ये झाड़ू लगाने का कितने महत्व है। उन्होंने झाड़ू लगाए तो स्वयं कृष्ण बलराम के होकर के वो युद्ध करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं किसका कर रहे हैं झाड़ू लगाता था। इसलिए भगवत दरबार में ठाकुर के मंदिर में हमें रोज झाड़ू लगानी चाहिए रोज मंदिर साफ करनी चाहिए। जो जितने ठाकुर का सेवा करेगा मंदिर साफ करता तभी उतना ही साफ हो जाएगी। बोले की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए यहां पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन जो इसमें जो एक अध्याय है हर अध्याय से पहले वो एक एक श्लोक को लिखते वो एक एक श्लोक को लिख करके वो अध्याय का क्या विषय वस्तु वो उसको उल्लेख करते हैं। अभी किसी अध्याय का पहले वो कौन सा श्लोक उच्चारण कर रहे हैं हम उस श्लोक को पढ़ते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर महात्म वृंदई समार्जय खलनाथ सगौरव स्वचित शीतल ज्वलन कृष्ण पवेशम चाय। श्री गुंडीचा मंदिर महात्म वृंदई समार्जय खलनाथ सगौरव श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के महाप्रभु ने क्या की ये गुंडीचा मंदिर को उन्होंने आयोजित करवाया। ये जो गुंडीचा मंदिर हम कल सुनके उसका नाम गुंडीचा मंदिर नाम क्यों पड़ा क्योंकि जो राजा श्री राजा प्रतापरुद्र थे राजा श्री जो गजब के जो राजा थे कभी जिन्होंने ये ठाकुर जी को प्रकाशित किए थे ये इनकी पत्नी का नाम थी गुंडीचा। जब उन्होंने श्री जगन्नाथ को स्थापन कर दिया जगन्नाथ को प्रतिष्ठित किया अभी राजा सोच रहे हैं सारा दुनिया को बोल बढ़िया मंदिर किसने बनाया बोले अमुक राजा ने बनाया अमुक राजा ने बनाया लेकिन कोई रानी का नाम कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो ठाकुर जी जो प्रकाशित हुए थे वो ये रानी की इच्छा थी ये रानी की इच्छा से क्योंकि कुछ साधु लोग कुछ भक्त लोग तीर्थ भ्रमण करते 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 आए कभी पुरी में आ गए कभी पुरी में रुके तो संत लोग हरिकथा कर रहे थे राजा रानी ये बंदे दोनों ही कहीं अगर ठाकुर की कथा हो ये दोनों जाकर के सत्संग सुनते थे सत्संग सुन करके उनकी मुंह से उन लोगों ने बताए हम तो सर्वत्र परिभ्रमण किया है सर्वत्र घूमा लेकिन एक स्थान हमको सबसे प्यारा लगा बोले कौन सा स्थान वे नील माधव वो अपूर्व स्थान है जैसे वृंदावन में जमुना नदी कलकल नाल से बह गई है वहां पर एक नदी जिसका नाम महानदी हम लोग तो गए हम लोग नील माधव नहीं गए कौन नील माधव गए भाग तो दो चार गए वहां पर देखना महानदी विशाल नदी बह रही है
जैसे वृंदावन में पेड़ पौधा का आम का वृक्ष, बड़े सुंदर कटहल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, चार तरफ में सुंदर वृक्ष चार तरफ में वृंदावन देखते। और जैसे वृंदावन क्रीड़ा तक तो ठाकुर की जान है, वहां पर सुंदर एक एक जैसे गिरिराज गोवर्धन जैसे पहाड़ है, उसको ऊपर में कोई बाधा और ऊपर चरण से जैसे ठाकुर का चरण से वो गंगा निकली है, उनका चरण से गंगा प्रकट होती है। कच्चे से हमारे शरीर में गरीब के पसीना आ जाता है, ठाकुर को चरण से पसीना निकलता है, ठाकुर का चरण से वो अपने आप पसीना निकलता है ठाकुर का चरण से आश्चर्य। और जब आप जाओगे वहां का जो पुजारी उसका चरण रोक देते हैं बिल्कुल सा बिल्कुल उनको शरीर से पसीना से ठाकुर का चरण से जो पसीना निकलता है वो वही चरणा करता ठाकुर जी को वही चरणा कर देते हैं आश्चर्य लगेगा। वहां ये पहाड़ है पूरा पहाड़ जैसे उसको ऊपर ले रहा ठाकुर जी है, लेकिन वहां भी गंगा जी प्रकट होते ठाकुर का चरण से। इसलिए उन्होंने बताया हमको सबसे ज्यादा प्यारा वही स्थान लगा वही ठाकुर बड़े सुंदर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी बड़ा सुंदर मंदिर स्थान रोज स्नान कर नदी में ठाकुर जी का दर्शन करो चरणामृत करो हमें बहुत बढ़िया लगा। जब राजा रानी कथा को सुने जब दोनों रात को सोने के लिए गए रानी ने राजा से प्रार्थना किया सुने वो बाबा लोग क्या बोल रहे थे कि भाई एक नील माधव बड़ा सुंदर स्थान है वृंदावन देश की जन्म से ये गंगा प्रकट हुई है, अगर आपकी इच्छा हो हम दर्शन करने के लिए चले। बोले कल सवेरे ये संतों को पूछेंगे वो स्थान कहाँ पर कहता हम चलेंगे। बाप रखते जो भी घर के पाए वो बाबा लोग रात को रुके थे पास राता रख करके चले वो तो कहीं चले गए राता राती ढेर सवेरे से जाकर बाबा लोग चले गए उनका जगह और भी उत्तर ना करते सोच रहे थे दर्शन करने के लिए जाने के लिए बिंदु राजा के नाम चले गए। फिर उन्होंने पता लगाने के लिए उन्होंने सबको चार दिशाओं में उन्होंने सबको पता लगाने के लिए भेजे भेजे तो कहते इसका जो भूल जो जगन्नाथ को प्रकाश करने का कल कथा मिले उसका जो भूल व्यक्ति कौन है ये रानी एक स्त्री हट होता है जगह बहु घाट एक बाल हट बाल हट देखे होंगे बच्चा हट कर दिया एक चीज दो जब तक नहीं तो रोना मन नहीं करते। दूसरा हाथ एक योग हट है हट योग है योगियों का एक हट है और एक हट है ये एक स्त्री हट है। स्त्री अगर मांगेगी भैया हमको ये चीज ला दो जब तक नहीं करोगे प्रेम से बात नहीं करेंगे गर्मी ठीक से नहीं पिलाएंगे स्त्री हाथ है लेकिन स्त्री हाथ हो लेकिन अच्छी चीज के लिए हाथ हो तो घर को धन्य है। जैसे स्त्री का दो स्वरूप है योग माया और महामाया जैसे महामाया स्वरूप है तो जीव को संसार के बंधन का कारण बनती है लेकिन जब ये योग माया रूप लेती है वो भगवान को जोड़ देती है। हाथ हो किसी क्या हो चलो हमको ना आज भागवत कथा सुनिए आज दोनों बैठे कीर्तन करेंगे चलो हम आरती दर्शन करने के लिए जाएंगे चलो रोज रोज हम बैठे करेंगे प्रसप्तक करेंगे। अगर ऐसे हट हो तो क्या बनेंगे तो जो माया बनेंगे फिर कभी कभी पति सो रहा है उठने का जल्दी उठ लो ठाकुर जी का आरती होगी ना अभी सो देते चलो जल्दी जल्दी ठाकुर आरती स्नान करो जल्दी कपड़ा पहनो तिलक लगाओ चलो हम जाएंगे ठाकुर जी को आरती दर्शन करने के हट होनी चाहिए ये रानी की हट थी और साथ चलो ठाकुर जी का हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसलिए राजा सोचे जिसकी वजह से ये सब हुई है इनका ही दाम नहीं होगी। इसलिए राजा ने क्या किया जब उसने मंदिर बनाया गुंडीचा मंदिर बनाए अपना रानी को नाम पर उन्होंने ये मंदिर को रख दिया इसका नाम गुंडीचा मंदिर होगी। इसलिए सबके साथ राजा का भी नाम ले रहे हैं और नाम ले रहे हैं इसका नाम ले रहे हैं श्री रानी का भी नाम ले रहे हैं। इसलिए कहते महाप्रभु
कहते अपना परिक्रम को लेकर के महाप्रभु ये गुंडिचा मंदिर मार्जन करते थे। कहते वो जो मंदिर मार्जन करते थे कैसे करते थे, बोले शीतल मुद्दल कृष्ण को बेलो परिक्रम चकागर। कहते कैसे काम करते थे, बोले जैसे श्री महाप्रभु का चित्त है, महाप्रभु का जैसे चित्त है। बोले महाप्रभु का चित्त कैसे, महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही राधा जी का भाव और भक्ता को लेकर गया। इसलिए राधा रानी कहती है जो चित्त है, बोले आने हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने वृंदावन मान। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं आने हृदय मन, तो दूसरों का जो हृदय हृदय नहीं वो मन है। मन मतलब होता है हमारे मन में कितने तरह तरह का कामना रखना, कितने चंचल हमारा मन है, कहाँ कहाँ विषय भटकता है। तो दूसरा का हृदय तो मन है, लेकिन मेरा मन क्या है, बोले मेरे मन लाभ है बराबर वृंदावन में। इसलिए बने बने एक गजमानी मेरा मन और वृंदावन एक ही है। इसलिए जो वृंदावन नाम क्या है, वह वृंदावन वृंदावन जो तुलसी कहते राधा रानी का नाम एक वृंदा है। इसलिए जो वृंदावन है वो तुलसी जैसे बने और उसे राधावन का नाम राधावन बताया। इसलिए वृंदावन जो है कहते हरि विस्फुट वृंदा से श्याम सुंदर को क्रीड़ा की एक नगर है, जिसमें स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। वो वृंदावन नहीं कहते राधा रानी स्वयं अपना हृदय को श्याम सुंदर की क्रीड़ा होने के लिए राधा रानी ने अपने हृदय को बचा दिया है, ये वृंदावन नाम है। इनके कहते आने हृदय मन मोर मन वृंदावन महाप्रभु अपना बल अपना मन देख उन्होंने पूरा अच्छे तरह से उन्होंने मंदिर को उन्होंने साफ किया। कल हम सुनेंगे महाप्रभु कैसे पहले संकट को हटाते हैं, उसको बाद में कैसे धूप साफ करते हैं, फिर पानी से कैसे साफ करते हैं। अगर कहीं का स्पर्श रह जाए महाप्रभु अपना कपड़े को लेकर बीच बीच करके उसको रगड़ रगड़ करके साफ करते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसी को ऊपर बहुत बढ़िया टीका लिखे हैं। ये गुंडिचा मंदिर मार्जन का ये क्या रहस्य है, ये गुंडिचा मंदिर मार्जन का। इसलिए कहते केवल परिसर नहीं तुलसी तलब तो उसमें पानी भी दे करके महाप्रभु उसको साफ किया, मतलब केवल शीतल कर दिया, बोले शीतल नहीं बोले उज्ज्वल, बोले उज्ज्वल हृदय साफ कर दिया मंदिर को। बोले क्यों, बोले कृष्ण को भेसो परिकम चकार, बोले भगवान कब एक साधक का हृदय बैठेंगे। तब उसको यहाँ पर बता रहे हैं जब तक भी पवित्र हृदय पवित्र नहीं होगा, जब तक हृदय सुशीतल नहीं होगा, फिर जब तक हृदय तुम्हारी उज्ज्वल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं बैठेंगे, ठाकुर जी तब तक नहीं बैठेंगे। इसलिए महाप्रभु कैसे अपना कई कदम को लेकर उन्होंने ये मंदिर को साफ किया। महाप्रभु ये मंदिर के साफ करता कितना है, बोले कितना कितना साढ़े छह हो गया, अब लोग कहाँ से जा रहे हैं। इसलिए कहते इसको पहले महाप्रभु और दो तीन दिन सुना फिर उसको पहले महाप्रभु दक्षिण देश में गए हुए। महाप्रभु जो दक्षिण देश से वापस आए, अरे राजा के मन में इच्छा है हम महाप्रभु के साथ मिले। महाप्रभु बड़ी उत्कट खाए, उनने खबर भेजा है कटक से महाप्रभु को बोलो हम महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु मना करते बोले मैं विषय व्यक्ति से नहीं मिलता, राजा संन्यासी संन्यास का दर्शन नहीं किसी विषयों का दर्शन करे। बोले महाप्रभु बहुत एक पक्का साधक का आदर्श रख गए, भक्ति करना तो हमारे आदर्श कैसे होनी चाहिए, क्योंकि राजा विषय विषय भोग करता बढ़िया बढ़िया खाता बढ़िया बढ़िया पहनता, उसका ड्रेस संपूर्ण अलग है। और ये संन्यासी है, संन्यासी का धर्म वैराग्य धारण करना, पर महाप्रभु विषय है। इसलिए
एक साधक का ये धर्म नहीं है एक विषय राजा से मिले, जिसे विषय राजा से मिले जिनका धर्म नहीं, महापुरुष शिक्षा दे के गए, बल्कि राजा का एक कर्तव्य नहीं विषय का दर्शन करे फिर दुनिया का लोग क्या बोले, दुनिया लोग क्या ईश्वर का जो दामोदर दामोदर स्वरूप जो चढ़ेगा, यही तो मेरे बात में बैठा हुआ विवाह सन्यासी कैसे सन्यासी सन्यास विवाह ना हो गए राजा हो गए सन्यास को कहा दर्शन कर रहा है, यही कहीं मेरे चढ़ेगा यही तो होता रहेगा, इसलिए ये मेरा कर्तव्य नहीं इस राजा से दर्शन करने का। जब मना की राजा इतने प्रेमी था, अगर महापुरुष मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं कान में कुंडल पहन करके चौकी बन करके ये राज्य छोड़कर सन्यास ले ये जीवन भर के कोई लाभ नहीं, अगर भगवान का महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ मेरा क्या हुआ राज्य को लेकर के होगा क्या, मतलब क्या देते हैं तभी तक ये जीवन धन्य है जो भगवान दर्शन करे, राजा होने से क्या जीवन सार्थक हो गया जब तक भगवान की भक्ति नहीं करे। अभी प्रश्न है ये राजा को इतने महाप्रताप रुद्रक हो इतने क्यों महापुरता उनके प्रेम है, वो कहते उनका दर्शन करने का सन्यास ले जाऊंगा राज्य से बेटा, बल्कि इनको इतने प्रेम कैसे हो गया कारण क्या, बल्कि राजा साधारण नहीं गजपति राजा साधारण नहीं था, क्योंकि जब महाप्रभु आए बोले स्वपाल सदस्य योद्धा सहावतरी वो अकेले नहीं आए पूरा परिक्रम को लेकर वो आए हैं, कभी यही राजा जो इंद्रधनुष था जिन्होंने सत्य युग में जिन्होंने वो जगन्नाथ जी मंदिर को जिन्होंने स्थापना की थी जिन्होंने ये जगन्नाथ जी को प्रकाश किया है, अभी महाप्रभु जब आए वही इंद्रधनुष महाराज भी राजा गजपति बन करके आए, इसलिए वो भगवान का अनादिकाल उनका नित्य सेवा से राजा ने, इसलिए उनके हृदय में उत्कंठा है भगवान से मिलने के लिए, जब उन्होंने महाप्रभु को फिर उन्होंने सारे भक्तों से प्रार्थना किया भट्टाचार्य महाप्रभु जितना करकर फिर आप हमारे हो करके आप थोड़ी सी महाप्रभु को प्रार्थना कर, राजा जो नहीं लगे राजा है ना क्या नहीं कर सकता, राजा करने से निकलो मुझे दर्शन देने निकलो मैं दर्शन नहीं कर सकती कैसे, मैं इतना राजा तुमको आने आकर के मेरे पास में आनी चाहिए, अब मैं चाहता हूं तेरा दर्शन के लिए दर्शन नहीं देगा भाग जा सकता, लेकिन ये भगवान के नित्य दास है नित्य दास है, इसलिए बोले सारे भक्त लोग से प्रार्थना करके राजा होकर की उनको सेवकों के पास में प्रार्थना करते हैं क्योंकि महाप्रभु परिकल सकते थे, बोले प्रार्थना करते हैं आप हमारे हो करके आप थोड़ी सी महाप्रभु को प्रार्थना करो, तब वहां पर प्रभुपाद उसको टीका में प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर राजा क्या शिक्षा दे रहे हैं, फिर राजा शिक्षा दे रहे हैं उन्होंने श्री भक्तिविनोद ठाकुर का एक कीर्तन उन्होंने उद्धृत कर दिया है, बोले कौन सा कीर्तन है, बोले कावे श्री चैतन्य मोरे करीबे न गाया कवे आमि पाई गौरे स्नान पद छाया कवे आमि छाई गौरे विषयाभिमान कवि विष्णु जरियामि कालिक सम्मान कालव सकृताजलि वैष्णवि कहे दंत दीन करिताया एवं स्वपाते कांदिया कंदिया जाना इब दुख कामा संसार नहलाते माही बविशाम वैष्णवे आवेदने कृष्ण दया माया एहे नामय यहाँ पर भक्तिमय ठाकुर
इसका मतलब ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु जी ये एक नया जगत आया है, आप इनके ऊपर में कृपा करो। इसलिए डॉक्टर को बात में कैसे जानी चाहिए, बोले गलत वस्त्र कृपा जी गल में गलत वस्त्र देकर के, गल में गल रहेंगे आप गलत वस्त्र देकर के और दांत में त्रिका को जवाब दबा करके तो दीन दीन होकर के, जब हम वैष्णव के चरण में प्रार्थना करते हैं वे हमारे हो गए थे, फिर ठाकुर जी के जब प्रार्थना करते हैं बोले वैष्णव आगे बोले कृष्ण दया, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बोले एक जगह तो हमारे प्रति हमें न सदाए, फिर हमारे ये पापी को ऊपर कितने कृपा करते सदैव होते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमान राजा प्रार्थना किसको कर रहे हैं, सारे महाप्रभु का कही कर, बोले आप लोग हमारे हो करके अगर महाप्रभु को प्रार्थना करोगे हो सकता है महाप्रभु का हमारे घर में कृपा हमारे पर कृपा, इसलिए डायरेक्ट नहीं कहते वैष्णव का थ्रू दे करके ये प्रार्थना करनी चाहिए। फिर महाप्रभु जब राया तभी किसी का नहीं किए है, जब राया मन का आए है राजा ने राया मन आदेश दिया जाओ महाप्रभु सेवा करो, महाप्रभु सेवा करो, नौकरी छोड़ना चाह रहे थे बोले नौकरी की हमारी कोई जरूरत नहीं, हम तो महाप्रभु तुमको नौकरी करने का जरूरत नहीं, बिना नौकरी करते हुए संता नहीं, क्योंकि तुम महाप्रभु की सेवा करने जा रहे हो, महाप्रभु ये चीज को देखे मेरे लिए, क्योंकि राजा मान को साथ मिले अभी को साथ में महाप्रभु के साथ की बदला रहे, जब महाप्रभु ने देखा बोला मेरे साथ में रहने के लिए मैंने तुम छोड़ दिए, बिना काम करते हुए मेरे साथ में साथ नहीं मिलेगी, अरे महाप्रभु इनको जब राजा मान तो महाप्रभु के पास में रह रहे थे, उनको बोल बोल कर एक व्यक्ति के पास रहे एक ही बात को बार बार बोल कर रहे क्या हुआ जिसका बस हृदय द्रवित हो रहा था, फिर इनकी बात पर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया, बोले देखो मैं तो डायरेक्ट मिलना तो ठीक नहीं है लेकिन उनको बेटे को ला कर मिला, उनका बेटे को ला कर मिला क्योंकि जो बेटा है आत्मा को जा कर मिला, बेटा को जाता है रूप होता है, फिर उन्होंने उनको बेटे को लेकर के बड़े सुंदर पिताम्बर पहना करके उन्होंने बेटे को जब मिलाया तो महाप्रभु अपना प्रसाद वस्त्र राजा को दिया, फिर राजा बड़े प्रसन्न हो गए बड़े खुश हो गए, इसलिए कैसे महाप्रभु जी राजा को कृपा करते हैं जगन्नाथ गुरु। कल हम सुनेंगे महाप्रभु परिक्रम के लिए कैसे श्री मंदिर को साफ करते हैं। हरि 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गीता गौर हरि बोल हरि बोल।